ना किसी जाति और ना किसी धर्म में समझता, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब बात दिल से कही जाती है तो बात दिल तक पहुँचती है। लड़का लड़की भाषा जाति के बीच में नहीं आती है। साथियों, चंडीगढ़ में हमारी एक बहन वर्णिका कुंडू के साथ जो घटना हुई, जो उसके साथ वहां पर जो दो शराबी लड़कों ने जो अच्छे परिवार के उन्होंने जो किया, और उसके बाद उस लड़की को 15-20 मिनट तक ये नहीं पता चलता कि आने वाले समय में उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वो इतनी डरी हुई सहमी हुई थी, मैंने उसकी वीडियो देखी जब मीडिया पे, तो एक बार तो मेरा भी दिल काट गया कि इतनी डरी हुई है। उसके बाद जब पुलिस उनको रंगे हाथों पकड़ती है तो उसको अरेस्ट करती है, 511 और 365 की धारा लगाती है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे बाद उनको पता चलता है कि ये तो बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा है, तो वे सारी धाराएं हटा दी जाती हैं, 2-3 धारा छोटी मोटी लगाकर उसको जमानत दे दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो फोटोज आए, जो चंडीगढ़ शहर में 10 किलोमीटर में जो है सारक हुआ, उसका पीछा किया, उसको ब्लॉक किया, उसको तंग किया, उसमें 9 CCTV कैमरे हैं। और जब उसको पता चला पुलिस को कि हाँ भैया बीजेपी अध्यक्ष का बेटा है, उसके बाद ये बोल दिया गया कि ये कैमरे भी खराब है, 3 ही चलते हैं, 3 में से भी 5 दिन बाद एक की वीडियो क्लिप थी, 3-4 दिन बाद। और उसके बाद हमारे एक नेता कहते हैं कि 12 बजे ये लड़की बाहर क्यों गई थी, और फिर वो कहते हैं कि माँ बाप ने इसको बाहर क्यों भेजा था। और वो नेताजी कुछ समय पहले भी एक बात कहते थे कि इस देश के लोगों का मेरा दिल से रिश्ता है, तो मैं उस नेता से पूछना चाहता हूँ कि नेताजी ये बताइए कि इस देश की महिलाओं से आपका कौन सा रिश्ता है, इनके साथ बार बार अन्याय होता है, अत्याचार होता है। साथियों, इसी पर मैं 2 पंक्तियां कहूंगा कि सहसा सा है वतन मेरा, सहसा सा है वतन मेरा, कि कुछ लोग हमारी बहनों का खून मांगते हैं। आज ये हालात हमसे हमारा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है जिन माओ बहनों का दुख सहने में, आज कुछ नेता हमसे हमारी माताओं बहनों की चरित्र का सबूत मांगते हैं। साथियों, साथियों, बात केवल वर्णिका कुंडू की नहीं है, यह आप सभी को समझना पड़ेगा कि बात केवल वर्णिका कुंडू की ही नहीं है, बात तो उनकी भी है जो कई साल थोड़े साल पहले हिमाचल प्रदेश में हुआ था, बात उसकी भी है जो बुंदेल शहर में हुआ था, बात उसकी भी है जो निर्भया के साथ दिल्ली में कांड हुआ था। इन सभी की बात है तो केवल वर्णिका कुंडू की बात नहीं है। और जो दूसरी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत माता की जय अगर आप कहते हैं तो आप देशभक्त हैं, और डिक्लेयर कर देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप देशभक्त भारत माता की। आप सभी एक बात बताओ कि क्या वर्णिका कुंडू हमारी भारत माता नहीं है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत माता कौन है, जो वो लोग बोलते थे ना कि भारत माता की जय कहो आपको सर्टिफिकेट दे देते थे देशभक्ति का। लेकिन मैं पूछता हूँ, मेरे सवाल आते हैं मन में ये कि वर्णिका कुंडू हमारी भारत माता नहीं है क्या, जिसके साथ सारे सबूत होने पर भी उसको न्यायाधीश? क्या इरोम शर्मिला हमारी भारत माता नहीं है, जिसने 16 साल तक अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या राधिका बहमुल्ला हमारी भारत माता नहीं है क्या? क्या नजीब अहमद की माँ हमारी भारत माता नहीं है क्या, जिसे दिल्ली की सड़कों पर उसके बेटे को गुम होने पर घसीटा गया था? आप सभी को पता होगा कि उसको दिल्ली की सड़कों पर कैसे घसीटा गया था, मैंने देखी जिसको वीडियो के लिए कुत्ता छूट पहन था, कुत्ता। तो उस माँ के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री साहेब, उस माँ की ममता को बुढ़ापे का सहारा चाहिए, और उस माँ को बेटा चाहिए, वो भी जिंदा चाहिए। आखिर क्यों साथियों, नवाज शरीफ की माँ के लिए तो चरण स्पर्श होते हैं, पर नजीब अहमद की माँ के लिए खाने का फर्श होता है? ये हमारे सवाल है, आखिर क्यों? दूसरी बात ये है कि कुछ राजनीतिक लोग कहते हैं कि देश का बड़ा विकास हो रहा है, देश का बड़ा विकास हो रहा है। मुझे तो लगता है कि विकास तो कुछ हो नहीं रहा। आप सभी से अभी पूछना चाहता हूँ, क्या महिलाओं के साथ अत्याचार करके कौन सा विकास आज तक आपने देखा है? किसानों के साथ अत्याचार देखकर आपने कौन सा विकास देखा है? हमने तो आज तक ना तो ऐसा विकास सुना और ना कभी अपनी आंखों से देखा। और साथियों, सबसे बड़ी बात कि वो राजनीतिक लोग
अपना इस घटना का कोई भी घटना होती है उसका एक मुद्दा बना देते हैं, उसकी बयान देते हैं, उसको कहीं घुमा फिरा के अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं और अपना विक्टम कप लेके विक्टोरी कप लेके अपना चल देते हैं और मीडिया अपनी टीआरपी बदलता है। लेकिन इस देश के अंदर महिलाओं के हालात किस दिन बदलेंगे हमें उस दिन का इंतजार है। और बात यह है क्या हमारे सभी यहाँ इकट्ठा होने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है? जब आप इस देश में जब जब भी कोई न्याय होता है किसी के साथ तो छात्र लोगों को खड़ा होना पड़ता है। तो अब अगर हमें इस देश के अंदर विकास चाहिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें सवाल पूछने होंगे कि आखिर हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं, हमारी बहनों के माओं के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं बार बार, हमें ये पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। इतिहास दोहरा रहा है साथियों कि जब भी इस देश के अंदर विदेशों के अंदर युवा इकट्ठे होते हैं और सड़कों पर निकलते हैं तो बड़ी बड़ी हुकूमतें। साथियों मैं अपनी अंतिम बात कहकर इसको विराम दूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपका ये खामोश मिजाज आपको जीने नहीं देगा। अगर इस दौर के अंदर आपको जिंदा रहना है तो कोहराम मचाना ही पड़ेगा। जब लोग नामुमकिन मुसीबतों के वक्त अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने हमने अपने देश में हो रहे महिलाओं के अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो असली देशभक्ति होती है। और आज यहाँ डंके के चोट पर मैं ऐलान करता हूँ कि जब तक हमारी माओ बहनों और हमारी माओ बहनों के साथ अत्याचार होते रहेंगे हम उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने कतरे कतरे की कुर्बानी देते रहेंगे। जय हिंद साथियों। हमें अपनी बहनों की सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी बहनों की सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी बहनों की सुरक्षा चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Yeah!
जो हो गया जो पार हुआ है उसके खिलाफ भी हम खड़े हैं, और अगर यूनिवर्सिटी में भी कुछ होता है तो उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। तो आप सभी सुरक्षित महसूस करें क्योंकि आपके साथ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाओ। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान।